हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साड़ी में ये ड्रेस सीएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए इसे बताते हैं कैसे कट करना है। तो ये देखिए, मेरे पास एक और साड़ी है, तो यहाँ देखिए, और यहाँ पर मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये साड़ी कुछ जहाँ तक वर्क है, हम यहाँ पर 2.5 मीटर जितना कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब ये जो सादा प्लेन कपड़ा है, यहाँ से हम इसके ऊपर की जो बॉडी है वो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कट करते हैं, इसकी लेंथ वगैरह सब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें शोल्डर हमें लेने हैं, ठीक है। तो ऊपर कोर है, तो मैंने ऊपर कोर का हिस्से पर एक निशान लगा दिया है। तो इसी तरीके से आर्म होल और हिप और वेस्ट का हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो लाइनिंग इस तरीके से, आपका जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आप मेजरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए आर्म होल बना लीजिएगा, और जितनी भी आपकी फ़िटिंग है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर लाइनिंग की जो लेंथ है मैंने फुल रखी है, तो नीचे हमारे जो मैं चुन्नते लगाऊंगी तो वहाँ से नीचे से चुन्नते आ जाएंगी। तो लाइनिंग आप आपके हिसाब से बड़ी छोटी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ए लाइन शेप में मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी और इसे कट कर लेंगे हम पहले। तो साड़ी नहीं पहनते हैं ज़्यादा, रखी हुई हैं घर में, तो इस तरीके से आप पैटर्न बनाकर बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में आप पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसे गोलाई दे देते हैं ताकि ये कोने नहीं लटके, ठीक है। तो ये देखिए, गोलाई मैंने दे ली है। अब यहाँ से इसे अलग अलग कर देंगे और आर्म होल का शेप ले लेंगे आगे का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो बाकी का हमारा कपड़ा है इस तरीके से मैंने रखना है, और ऊपर का जो हमारी लेंथ है वो मैं यहाँ पर 38 इंच का रख रही हूँ, ठीक है। ऊपर की जो हमारी बॉडी है 38 इंच की रहेगी। नीचे से बाकी का ये मेरा 56 इंच का लेंथ हो रही है पूरी गाउन की। तो यहाँ पर 38 इंच का मैं यहाँ पर ऊपर का जो बॉडी है वो रख रही हूँ, ठीक है। नीचे से हम बाकी के जितना भी हमारा आएगा वो हम फ्रिल्स लगा देंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग इस तरीके से रखना है, फ्रंट साइड का रख रही हूँ मैं ये। अब यहाँ से देखिए, इसे कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पीछे का भी जो बैक साइड का हिस्सा है वो भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं नेक पहले कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक का मैं डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाऊँगी, सीधा सीधा मैं यू शेप ही इसका रख दूँगी नेक। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के साथ ही यहाँ पर कट कर दिया है। इसे सीते वक्त आप पलट लीजिएगा, फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बैक साइड भी हमें कट करना है। तो ये देखिए, बैक साइड का मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। सेम इसी तरीके से 38 इंच पर आपको निशान लगाना है और लाइनिंग को फोल्ड कर देना है, और यहाँ से सेम शेप हमारा आ जाएगा, कट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों भी रेडी कर लेना है। इसका भी नेक हम कट कर लेंगे। तो स्टिचिंग की वीडियो मैंने नहीं डाली हूँ, क्योंकि स्टिचिंग ऑलरेडी आप लोग को आती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास कपड़ा है उसमें हम जितना भी वर्क का है, नीचे जो फ्रिल्स लेना है उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमारे 17 इंच के फ्रिल्स हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे का हिस्सा नहीं मोड़ना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 इंच बढ़कर रखा है, ठीक है। तो 18 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो ऐसे ही हम, मैंने डबल कपड़ा लिया है, जितना भी वर्क का आपके पास कपड़ा बचा हुआ है उसके आप गेदर्स लगा लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बाकी का जो प्लेन कपड़ा बचा है मेरे पास, उसमें मैं स्लीव्स कट कर लूँगी, जो कि फुल चूड़ीदार स्लीव्स मैंने कट कर लेंगे। तो इसे हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़रूर कमेंट भी करिएगा मुझे। थैंक यू।